साइटोस्केलेटन। फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ साइटोस्केलेटन कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन माइक्रोट्रिब्यूल्स दर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक द साइटोस्केलेटन स्टूडेंट्स अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्मी साइटो जो है साइटोप्लाज्म का पार्ट है स्केलेटन कहते हैं स्पोर्टिंग चीज को जो चीज़ चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है तो साइटोस्केलेटन बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और ये सेल को बाकायदा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है से हमारी बोन्स हैं जो हमारे बॉडी को सपोर्ट कर जैसे हमारा स्केलेटन बोन्स पर कंसिस्ट करता है तो जो सेल के अंदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है दैट इज द साइटोस्केलेटन सो दैट फर्स्ट द डेफिनेशन साइटोस्केलेटन बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस फाइबर्स प्रोटीन फाइबर्स विच एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म यह हम ये कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर विच आर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल कि पूरे सेल के अंदर ये क्या है कि एक्सटेंड हुए हैं फैले हुए होते हैं बेसिक रोल ऑफ साइटोस्केलेटन कि इट इज इन्वाल्व इन द सेलोर स्पोर्ट ये सेल को स्पोर्ट देता है मैकेनिकल स्पोर्ट देता है इसके अलावा ये जब उसको एक खास शेप देता है सेल को और इसके साथ साथ सेल के अंदर जो डिफरेंट मटीरियल की ट्रांसपोर्ट है उसमें भी साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनालीज हैं दे आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू द साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन इज द स्पेशलिटी आर स्पेसिफिक फीचर ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन मौजूद है कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन मेनली तीन डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स के ऊपर मुश्तमल है प्रोटीन फाइबर्स कह लें के ऊपर मुश्तमल है उसमें से एक फाइबर जो है या प्रोटीन जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड द माइक्रोट्यूल्स सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दे आर इंटरमीडियट फिलामेंट्स एंड थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो जो प्रोटीन फाइबर्स दे आर एक्चुअली द माइक्रोफिलामेंट इसका प्रोटीन फाइबर कह लें या साइक्रोस्लिटल फाइबर्स कह सकते हैं यानी इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ कि सेल के अंदर तीन तरह के प्रोटीन फाइबर्स हैं या तीन तरह के साइट्रोस्लिटल फाइबर्स हैं या कंपोडेंट्स हैं।, हैं उसमें माइक्रोट्यूल्स इंटरमीडिएट फिलाेंट्स एंड द माइक्रोफिलाेंट सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट दीज डिफरेंट स्ट्रक्चरस इसमें हमारे पास डायग्राम में आपके पास जैसे ओवरऑल डायग्राम ऑफ द सेल एक सेल का स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक या एक ड्रॉ किया गया स्ट्रक्चर जिसमें आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर दीज वन ये रेड कलर के आपको जो डिफरेंट फाइबर्स नजर आ रहे हैं तो रेड कलर के जो फाइबर हैं तो जो फाइबर्स दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द साइटोस्केलेटन अब कुछ फाइबर्स जो हैं बड़े साइज के हैं जैसे ये इसका अगर आप डायमीटर देखते हैं ये बाकी से बड़ा है उसके बाद कुछ वो है जिसका डायमीटर छोटा और कुछ वो है जिसका डायमीटर बहुत ही थिन है अब इसमें जिसका डायमीटर बड़ा है ये एक्चुअली है माइक्रोट्यूल जिसका डायमीटर थोड़ा सा दरम्याने साइज़ का उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तो यह हमारे पास वो इट विल बी इंटरमीडिएट फिलामेंट तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज होता है वो एवरेज होगा जबकि जो सबसे स्मॉल साइज में हमारे पास आएंगे दे आर एक्चुअली द माइक्रो फिलामेंट तो हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन्स तो ट्यूबुल प्रोटीन की बने होते हैं दे आर हॉलो सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल सिलेंडर कहते हैं कि ये यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और सिलेंड्रिकल का मतलब यह है कि ये अंदर से खाली होते हैं इसलिए इसके हम सिलेंड्रिकल वर्ड यूज़ करते हैं तो सिलेंड्रिकल ऑलवेज रिप्रेजेंट के जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया वो अंदर से पाइप की तरह खाली है साइटोस्कैलडर के तीनों एलिमेंट्स में जो सबसे अगर डाया वाइज देखें तो सबसे जो लार्जेस्ट डायमीटर रखते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं माइक्रोट्यूल का डायमीटर इट्स अबाउट ट्वेंटी फाइव नाइनोमीटर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स हैं वो मौजूद हैं डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको ये दो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स नजर आ रही हैं तो माइक्रो ट्यूबूल्स के अंदर आमतौर पर ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन हम कह सकते हैं कि अल्फा सब यूनिट होती है दूसरी कौन सी होती है बीटा सब यूनिट जो है वो मौजूद होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन दे

मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिविजन सेल डिवीजन के दौरान आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं स्पिंडल फाइबर एक्चुअली माइक्रोटिब्यूल्स का ही एक जब वो ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर होता है अभी आपको पता है स्पिंडल फाइबर जब प्रोफेज मेटाफेज एना फेज में क्या करते हैं क्रोमोसोम्स को एक अरेंज करते हैं उसके बाद अलग करती हैं तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बेसिकली माइक्रोटिब्यूल्स हैं जो क्या करें क्रोमोसोम्स को एक डि डरिंग सेल डिवीजन जो वो अलग कर रही हैं सेपरेट कर रही हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल सेल के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बात मौजूद है जैसा से हम देखते हैं ना एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए बाकायदा एक मोटर मौजूद है या फिर हाईवे मौजूद है सड़क एक मौजूद होती है इसी तरह सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनली तक जाने के लिए बाकायदा एक नेटवर्क मौजूद है एंडोप्लाजोर रेटिकुलम से गॉलजियोटस तक जाने के लिए बाकायदा माइक्रोट्यूब्यूल्स एक रोड बना रही होती है उसी रोड के ऊपर वेजिकल मूव करते हैं गोलजी पेटे से लाइजोजोम तक जाने के लिए बाकायदा एक रोड मौजूद है वो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है उसके ऊपर वेजिकल्स मूव करते हैं गॉलजी पेटस से सेल डिवीजन तक जाना है तो अगेन बाकायदा एक क्या है कि रोड जिस तरह से बगैर सड़क के हम गाड़ी नहीं चला सकते इसी तरह से आम तौर पर एक आर्गनली से दूसरे ऑर्गनली तक मटेरियल्स को मूव करने के लिए बाकायदा नेटवर्क मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जिसको कह सकते हैं कि रोड्स मौजूद हैं डिफरेंट ऑर्गेनाज के दरियान में ओवरऑल शेप ऑफ सेल अगर हम ओवरऑल शेप ऑफ सेल की बात करें जैसे अगर हम सिंपली देखें ना अमीबा जो है जब अमीबा जब मूव करता तो उसके अंदर बड़ी क्विकली जब वो सीडोपोडिया बनते हैं और जो पहले से होते हैं वो आसा गजे से पेयर होते चले जाते हैं अब जब एक सीडोपोडियापेयर हो रहा है अमीबा का उसके अंदर एक्चुअली माइक्रोट्यूल्स हैं जो सब्बल हो रही होती हैं और जो सीडोपोडिया गायब हो रहा होता वो बेसिकली माइक्रोटिब्यूल के ब्रेक होने की वजह से गायब हो रहा होता है अगर आप सेल्स को देखें जब कोई भी सेल फॉर्मेशन होती है तो वो सेल स्मॉल साइज का होता है अब सेल जब स्मॉल साइज का होता है उसके बाद सेकेंड स्टेज के ऊपर होती है उसकी जो है वो मेच्योरेशन कह लें या स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन के दौरान सेल का साइज आस्ता आज इलांगेट होता है चेंज होता है अब सेल का जो साइज चेंज होने में मेन रोल जो है वो माइक्रोटिब्यूल्स का तो माइक्रोट्यूल्स आर ड्यूरिंग द एक्चुअली द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल जब सेल अपने शेप को चेंज कर रहा होता है वो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है स्ट्रक्चर मेड अप बाई माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सीलिया है फ्लेजेला है और इसके अलावा सेंट्रियोल्स uh, हैं सेंट्रियोल्स सीलिया फ्लिजेलम ये सारे के सारे जो है वो किसके बने हैं माइक्रोट्यूल्स के बने हुए हैं इसी तरह से ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो माइटोटिक अप्रेटस बनता है या मियोटिक का बनता है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ microtubules.